बजे से ऑन नहीं होगा। हाँ नमस्कार दोस्तों, जैसे कि मैं आपको पुनर्वास के ऊपर 2-3 वीडियो डाल चुका हूँ, फिर भी कुछ दोस्तों का कहना है कि पहचान नहीं हो पा रही है, तो मैं इस पे आप लोगों के लिए लेके आया हूँ, तो आप देख दिखा सकता हूँ मैं। जैसे कि मेरे पास है इसका, देखिए ये इसकी बेल है, ये हमने यहाँ पे लगा रखा है। तो मैं पहले आपको इसके पत्ती के बारे में ही बताऊंगा। ये पहले देखिए कैसे फैला हुआ है पूरे में, ये फैलता है और इसका इसके ये नहीं कि ये पुनर्वार गत पुनर्वार में कन्फ्यूजन हो जाता है। आप देख सकते हैं ये उठाने पे, देखिए ये इतनी लंबी लंबी इसकी बेलें हैं, काफ़ी लंबी बेल हो जाती है। तो इस तरीके से आप देखें तो एक मीटर तक चला जाता है और अभी जाता रहेगा। मैं अभी फूल पौधे से आपको पहचान कराऊंगा, इसकी जड़ देख लेते हैं। देखिए इसकी एक जड़ यहाँ पे, मुझे लग रहा है 2-3 पेड़ होंगे, ये जड़ है। ये बरसात में उगता है, इस समय सब जगह जहाँ भी होगा इस समय अभी ये कोपले दे रहा होगा, चल रहा होगा। तो इसकी पत्ती तो आप देख ही चुके हैं, यह है इसकी पत्ती, इसमें लाल रंग का होता है, एक श्वेत होता है, एक रक्त होता है, लाल वाला है पुनर्वा। इसमें फूल देखेंगे तो गुलाबी रंग का फूल होगा। ये आप देखिए, और इसके बीज बीज भी लोग मांग रहे थे, बीज इतने इसके बारीक होते हैं कि पता ही नहीं चलता है। जैसे देखिए मेरे हाथ पे देख रहे होंगे तो बीज है, कच्चे हैं अभी। तो इस तरीके से बीज हो गया और ये हो गया, तो पता नहीं चल पाता इसका बीज कब पके और कब झड़े, बड़ी मुश्किल से टूटते हैं और बीज आपस में चिपकते हैं। आपको मैं दिखा देता हूँ यहाँ पर, अगर बीज हैं 2-4, तो ये देखिए ये बीज ना आपस में चिपक जाएंगे, ये बहुत छोटे बीज हैं और जहाँ पे पेड़ होगा वहाँ नीचे उग जाते हैं। तो मेरा मकसद यहाँ पे सिर्फ आपको पूर्णिमा का पौधे की पहचान कराना है, बाकी आपको पता ही है कि इसमें इसका क्या प्रयोग होता है। गुर्दे की सारी प्रॉब्लम में हम इसको यूज करते हैं, यहाँ तक कि लीवर की प्रॉब्लम में भी यूज करते हैं, और पथरी होती है तो उसमें भी ये काम करता है। अगर किसी की पथरी की वजह से पेट दर्द हो रहा है और आप कहीं सफ़र में हैं या आपके घर के आस पास का पेड़ है, तो इसके एक मुट्ठी पत्ते तोड़िएगा या टहनियाँ तोड़ करके पीस करके पिला दीजिएगा, दर्द सही हो जाता है। तो इसको ये हमने आपको दिखा दिया पत्ती जड़ समेत, तना इसका एक बार और मैं दिखा देता हूँ। ये जैसे इसका एक मूल यहाँ पर है जड़ी, और ये यहीं से फैला हुआ है। ये इसकी जड़ें देखिए टहनियाँ जगह 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 गई हुई हैं, तो यहाँ से निकल जाती हैं। तो अगर हम इसको यहाँ से ये काट देते हैं और इसका पंचांग यूज कर लेते हैं, तो फिर दोबारा यहाँ से कोपले दे करके किले दे करके दोबारा हो जाएगा, और इसकी यही खासियत है। और ये इसके आसपास पेड़ आप ये देखिए, इसकी एक टहनी है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कितनी बड़ी जा रही है। ये देखिए मैं एक लेके आ रहा हूँ, ये देखो, ये कम से कम अगर हाइट देखें तो ये मेरे सिर के बराबर हो गई, यानी 5 फीट तो आराम से हो गई है, ये जा रही है नीचे। देख लिया होगा आपने, तो इसीलिए। और जो गत पुनर्वा होगा वो इतना नहीं फैलता है, वो ज़्यादा से 1 फुट होता है। तो पुनर्वा और गत पुनर्वा में अंतर होना चाहिए, है वो भी इसी की वैरायटी, लेकिन वो कारगर उतनी नहीं होती जितनी होती है। तो ये हमारे लिए बहुत ही कारगर है। तो इसकी ये बेल आपने मैंने दिखा दी कि ये इससे फैलती जाती है और ये कितनी लंबी है, अगर किसी को कन्फ्यूजन होगा तो पूछ सकता है। और मैंने बहुत से कम 20-25 लोगों तो इसकी पहचान करा दी है, वो व्हाट्सएप में इसका फ़ोटो खींच के भेज देते हैं, मैं उसके बाद कन्फर्म कर देता हूँ कि हाँ यही है। तो अगर आपको कोई डाउट होता तो आप कर सकते हैं। यहाँ पर इसके मुझे फूल भी दिखाई दे रहे हैं, बीज ये देखिए, ये पिंक कलर के छोटे 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 फूल आते हैं, आप देख सकते हैं ये।
बहुत ही छोटे होते हैं, ये देखने में सुंदर लगते हैं। और इसके ये बीज हैं, ये जो मेरे हाथ में ये इसका बीज है, ये देखिए। बहुत से लोग कहते हैं आप बीज भेजते नहीं, बीज ये तोड़ के मैं रखूँगा कहाँ, पता ही नहीं चलता है कब पका और कब झड़ गया। बस एक साथी को बीज दे पाया हूँ मैं इसका, अन्यथा नहीं दे पाऊँ। तो मेरे यहाँ तो ये घास हो गई, अब ये बरसात चालू हो गई तो इसमें बहुत ही हो रखा है ये पुनर्वा। और इसका ये आप देख सकते हैं पौध, इतनी घास में भी देखिए अपने आप बहुत सारे पौध जम गए। तो मैं इसे उखेड़ के सब खेत में लगाऊंगा, ये सब पुनर्वा के ही पौधे हैं। लेकिन उखड़ेगा नहीं, आप सोचेंगे इतना छोटा है, गीला खेत है तब भी नहीं उखड़ेगा, क्योंकि इसकी जड़ जो होती है नीचे बैठ जाती है। कोशिश करता हूँ, नहीं उखड़ पाएगा। ये देखिए छोटा सा पेड़ और फिर भी मूसली तरह नीचे बैठ गया, और ये इसकी जड़ होती है। जितना बड़ा पेड़ होगा आप देखिए कितना कितना छोटा पेड़ है ये। और इसमें देखिए जड़ बैठनी चालू हो गई है जो है। तो ये अगर इसे हम यहाँ से भी काट भी देना और इसकी जड़ को लगा दें, जैसे यहाँ से कट के ऊपर सूख गया तो दोबारा फिर हो जाता है। तो ये है, इसको उखड़ गया तो इसको हम लगाएंगे अभी दूसरी जगह। देखिए नहीं उखड़ा, मैं बोल रहा था ना पहले कि बहुत ही मजबूत होता है ये। तो इसको खुरपी के माध्यम से उखेड़ेंगे, और आपको मैंने इसकी पहचान करा दी है। बाकी देखिए इसको ज़्यादा मैं करूँगा नहीं, इसमें और पौध ख़राब हो जाएंगे। बीजों जो और भी चीज़ें हैं बहुत सारी मेरे यहाँ पे, इसमें कुछ इसको इसको मत समझिएगा, ये जंग ये वो जमरा सुरवारी जो साग बोला था ये अलग है। देखिए मस्त पौधा हो रहा है, फूल फूल वाला कहीं दिख रहा है। अब मुझे लग रहा है आप लोग पहचान लेंगे अच्छी तरीके से। तो इसका जड़ भी यूज होता है और इसका पत्ती भी होता है, पंचांग पूरा यूज होता है। तो लीवर के लिए और गुर्दे के लिए रामबाण है, कोई भी प्रॉब्लम हो तो काम करेगा। भूमि आंवला भी काम करता है, भूमि आंवला के साथ ही पुनर्वारिष्ट, पुनर्वारिष्ट आपने देखा होगा सारी कंपनियां पुनर्वारिष्ट पुनर्वा सब बनाती हैं, तो इसी का बनाती हैं। और इसका ख़रीदने से बढ़िया है कि एक पौधा घर में लगा लें और हमेशा काम आएगा। इसके पत्ते का साग भी बना के खा सकते हैं, और ज़रूरत पड़ने पर इसको पीस करके पी लीजिएगा सुबह शाम। लीवर की तो अगर कोई भी बीमारी है तो आप ले सकते हैं इसको, कोई परेशानी नहीं है। और गुर्दे की तो कोई भी प्रॉब्लम है तो भी आप ले सकते हैं, दोनों को पावर देता है और उन्हें निरोगी रखता है। इसी के साथ ही आप लोगों ने वीडियो देखा, अगर आपको अच्छा लगे तो इसे शेयर ज़रूर करिएगा। और इसी के साथ ही आप लोगों नमस्कार, धन्यवाद।